ओम शांति। 10 नवंबर 2024 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया, सफलता मूर्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है, इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हों। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए अवतरित हुए, पतितों को पावन बनाने के लिए अवतरित हुए, जिसके निमित्त भगवान ने, पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया। ब्रह्मा मुख द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाकर एक ही श्रेष्ठ संकल्प दिया, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बनाया। तो जब संगठन में होकर एक ही संकल्प को सभी एक साथ लक्ष्य के रूप में लेते हैं तो स्वतः और सहज सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा कहते, सबके मन से एक साथ आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि बाबा करावनहार है, उसके द्वारा ही हर कार्य हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं। तो स्वतः और सहज अपने को पूरा पूरा बाबा पर अर्पण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं, इस 5 तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा अविनाशी पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूं। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को अपनी सर्व शक्तियों से सजाकर
ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझाकर। सर्व गुणों से सजाकर विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बनाया। साक्षी हो जाएं और देखें अपने यथार्थ स्वरूप को। अनुभव करें प्रकृति सिंहासन पर विराजमान चैतन्य चमकदार सितारा। अनुभव करें परम धाम से परमात्मा से बरसती। शक्ति संपन्न किरणें मुझ आत्मा से होती हुई। चारों ओर वायुमंडल में फैल रही है। मुझ आत्मा के संपूर्ण किचड़े को भस्म करते हुए परमात्म शक्तियां मेरे द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन कर रही हैं। परम धाम से निरंतर बरसती परमात्म शक्तियां। मुझसे होती हुई वायुमंडल में और वायुमंडल से होती हुई। एक एक आत्मा पर पड़ रही हैं। देखें स्वयं को पृथ्वी ग्लोब पर बैठे हुए। और अनुभव करें परमात्म शक्तियों को स्वयं पर बरसता हुआ। परमात्म शक्तियां मनुष्य आत्माओं को
भक्त आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को। रोगी भयभीत आत्माओं को परमात्म शक्तियों की अनुभूति करा रही हैं। आत्माओं का देह भान समाप्त होता जा रहा है। वे देही अभिमानी स्थिति का अनुभव कर रही हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर। मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर। मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर। मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मेला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो।
फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए, तो समझो मेला हुआ। तो इस मेलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। तो अनुभव करें मैं आत्मा निराकार हूं। एक बाप पर तन मन धन अर्पण करने वाली डबल लाइट हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता हूं। बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो अनुभव करें मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर। मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर। मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा सब कुछ तेरा तेरा कर। मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाली डबल लाइट हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।